शिव के हाथ में त्रिशूल कैसे आया, इसके पीछे की मान्यता है कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मनाद से जब शिव प्रकट हुए तो साथ ही रज, तम और सत, यह तीन गुण भी प्रकट हुए। यही तीनों गुण शिव जी के तीन शूल यानी त्रिशूल बने। इन तीनों के बीच सामंजस्य बनाए बिना सृष्टि का संचालन कठिन था। भगवान शिव का त्रिशूल त्रिगुणों सत्गुण, रजगुण और तमगुण का प्रतीक है, जिनके सम्मिलन और विगलन से ही सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय होता है। भगवान शिव के त्रिशूल के तीन शूल सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार के प्रतीक हैं। देवाधिदेव महादेव ही स्वयं महाकाल हैं, सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार उनमें ही समाहित है। शंकर जी का त्रिशूल मानव जीवन के तीनों प्रकार के कष्टों, दैहिक, दैविक और भौतिक का विनाशक है। मान्यता है कि भगवान शिव शंभू का त्रिशूल महाकाल के तीनों कालों, वर्तमान, भूत और भविष्य का प्रतीक है। योग शास्त्र में भगवान शिव को आदियोगी माना गया है। उसके अनुसार शंकर जी का त्रिशूल वाम भाग में स्थित इड्डा, दक्षिण भाग में स्थित पिंगला तथा मध्य भाग में स्थित सुषुम्ना नाड़ियों का प्रतीक है। शैव अद्वैत वेदांत में शंकर जी के त्रिशूल को पिंड, ब्रह्मांड और परम शक्ति का प्रतीक ही माना जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो नीचे लिखो जय महाकाल।